हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल अल्फा सा एम सी नंबर 41 इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सल वोल्ट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज इजट्रॉन टेन पॉइंट जीरो पोटेंशियल डिफरेंस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरता है इस दौरान वो कितनी एनर्जी हासिल करता है ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 पॉइंट सिक्स टेन वेस्ट हो दावर माइनस नाइनटीन जाउल वन पॉइंट सिक्स टेन वेस्ट हो माइनस तो कौन सी ऑप्शन सही है आपके ख्याल में जल्दी से बताएं. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी that इज़ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किस तरह से इसकी ज़रा मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ द एनर्जी गेंड बाई एन इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिटर्मंड बाय जब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस हो जब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव कर रहा होता है तो वो जितनी एनर्जी गेन करता है उसको मेजर करने का ये फार्मूला है डेल्टा के डॉट ई इज़ इक्ल टू क्यू डेल्टा वी इसमें जो के डॉट ई है ये काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो मूव कर रहा है क्यू इज़ द चार्ज एंड डेल्टा वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स अच्छा अब यहाँ पे जो चार्ज है वो एक्जैक्टली वन इलेक्ट्रॉन है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन उसके बाद आ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया हुआ है टेन पॉइंट जीरो वोल्ट तो फिर ऊपर वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं और देखते हैं Q की जगह वन ई डेल्टा वी की जगह टेन वोल्ट दोनों को मल्टीप्लाई किया टेन वन ज टेन साथ आ गया ई इन टू वी एलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट अगर जाउल में पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ जाउल की बात की जाए तो आपको फिर पता है कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है वन पॉइंट सिक्स टेन रेशी पावर माइनस नाइनटीन जाउल और जब उस वैल्यू को आप टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी वन पॉइंट सिक्स टेन रेशी पावर माइनस एटीन जाउल